व्यक्ति कौन है, इसकी मंशा क्या है, ये चूक कैसे हो गई है, इस पर आगे जरूर डिटेल में जानकारी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, ये बड़ी चूक है। सुरक्षा के दौरान संसद का सत्र चल रहा है और इसी दौरान एक शख्स के अंदर घुसने कूदने की जानकारी मिल रही है। शॉर्ट्स भी धीरे धीरे सामने आएंगे, तस्वीरें भी धीरे धीरे सामने आएंगी, वो हम आपके सामने रखेंगे। संसद का ये शीतकालीन सत्र है और ऐसे वक्त में जब तमाम सांसद अंदर पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जब तमाम सांसद अंदर सेशन में मौजूद हैं, एक शख्स का अंदर घुसना, एक अनजान शख्स का अंदर घुसना, ये कैसे संभव हो गया, ये कैसे अंदर व्यक्ति घुस गया, ये एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र, क्योंकि पास बनाने की जो प्रक्रिया है क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया, सौभाग्य कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की। क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया, क्षेत्रों में रहने वाली शायद जम किया, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो सांसद बाहर आए कह रहे हैं शायद उसने कुछ स्प्रे भी किया है, तो वो गिरा तो निश्चित तौर पर नहीं होगा अगर उसने कुछ स्प्रे किया है तो। और उस व्यक्ति का एक एक डिटेल तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के पास ऑलरेडी होगा। दर्शक दीर्घा, ये जो आप हाउस देख रही हैं, हाउस के ठीक ऊपर होता है दर्शक दीर्घा और इसमें ऊंचाई काफी ज्यादा है। पुराने हाउस की तुलना करें तो इस हाउस की ऊंचाई तो काफी ज्यादा है, वहां से ये जंप लगाना वो अपने आप में एक खतरनाक काम है। और ये निश्चित तौर पर कोई बहुत ही विचित्र मानसिक स्थिति का व्यक्ति रहा होगा जिसने इस प्रकार का काम किया। अभी जो जानकारी सामने आई उसके हिसाब से जो सांसद बता रहे हैं कि कोई अज्ञात शख्स कूदा, नीचे आया, उसने कुछ स्प्रे भी किया है, फिलहाल सिक्योरिटी पर्सन ने उनको पकड़ लिया है और आगे के जो और डिटेल्स हैं उनसे पूछताछ स्वाभाविक तौर पर की जाएगी। ये पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला जब सदन में इस तरह की चीज़ सामने आई है। बिल्कुल, देखिए पहली बार ये मामला सामने आया है और ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस शख्स को पकड़ लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आरती जी, आप कुछ ऐड कर रही थी? आज इनफैक्ट एनिवर्सरी भी है, आपको याद होगा दिसंबर 13 का अटैक जो पार्लियामेंट पे हुआ था। और ये जो आपके पास अभी इंफॉर्मेशन आई है, लगता है कि इसकी वजह से, चूंकि एक ऑलरेडी हमारे साइकोलॉजिकली हम लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट पे पहले भी अटैक हुआ है, तो अगर ये नॉर्मल व्यक्ति भी घिर पड़ा है या वाकई एक अनजान आदमी घुस चुका है, बिल्कुल नहीं गिरा तो, वो आप देखें तो उछल उछल के भाग रहा है। हाँ, सामने दौड़ते हुए नजर आ रहा है, मतलब कि सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस लैप्स है इसमें। डेफिनेटली मुझे लगता है कि छानबीन होनी चाहिए कि कैसे ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं ताकि आप स्पष्ट तौर पर देख पाएं, इस लाल घेरे के अंदर वो शख्स मौजूद है जो दर्शक दीर्घा से नीचे की तरफ कूदा है। और देखिए कैसे वो दौड़कर भाग रहा है, कैसे वो एक एक डेस्क से ऊपर चढ़ के भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अंदर सदन के अंदर है, उसे तुरंत पकड़ लिया गया, जो सुरक्षा गार्ड है उन्होंने इसे पकड़ लिया है और अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसकी मंशा क्या रही है और इसने ये काम क्यों किया, ये क्यों नीचे कूदा। अगर स्प्रे का छिड़काव इसकी तरफ से किया गया है तो क्यों किया गया, क्या मंशा है, किसके कहने पर यह अंदर आया है, इन तमाम सवालों का जवाब इससे पूछताछ के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन अपने आप में हैरान करने वाला और एक बड़ा मामला। तो आप यहां पर देख रहे हैं तस्वीरें, ये आपको जो गोल घेरे में ये शख्स नजर आ रहा है, आप देखिए ये किस तरह से इधर उधर भाग रहा है। ये बेंचेस है जहां पर की सांसद बैठते हैं, ये देखिए किस तरह से इधर से वहां कूदता हुआ जा रहा है। इसने जैकेट पहन के रखा हुआ है, सामने आप देख रहे हैं कि जींस पहना हुआ है और स्नीकर्स इसने पहन रखे हैं।